ली है, नेफा 40 इंच लिया है मैंने, और प्लस 2 इंच मैंने नेफा लिया है। 40 इंच कुल लंबाई है, 1 इंच सिलाई हक लिया है, तो यानी 43 बन गया है इसका। 43 इंच में मैंने माइनस 8 इंच बेल्ट कर दिए, 35 है। 35 का मैंने पहुँचे की लंबाई 35 इंच का यहाँ पे पहुँचा लिया है लंबाई, और इसकी चौड़ाई मैंने 12 इंच ली है, यानी मुझे 12 इंच चाहिए, मैंने आधा इंच सिलाई हक लिया है दोनों तरफ। तो ऐसे मैंने एक स्क्वेयर खाना बना लिया है, इसका स्क्वेयर खाना तैयार कर लिया है। ये मेरे पहुंचा है, इसको पहुंचे बोलते हैं। और साइड से मेरा कपड़ा कितना निकल रहा है, 8 इंच निकल रहा है। मेरा बेल्ट आ जाएगी यहाँ से, तो यहाँ पे बेल्ट की चौड़ाई मेरी 22 इंच है। ये वाला स्क्रैप, ये जो ये स्क्रैप है, ये मुझे जो पहुँचा वो क्रम में लगाने के लिए काम आएगा। ये आगे हम करेंगे कुंदा। ये देखिए मैंने अर्ज लिया है 42 1/2 इंच इसका अर्ज है कपड़े का। मैंने अर्ज को ऐसे डबल कर दिया है, यानी कि उधर भी करनी है, इस साइड भी करनी है, इसकी ये करनी बोलते हैं इसको, इस साइड भी करनी है, उस साइड भी करनी है। तो मैंने 35 इंच, क्योंकि कुंदा पहुंचा लिया था हमने 35, तो सो दैट हमने ये भी 35 इंच लिया है। यहाँ मैंने 2.5 इंच का पहुंचा लिया है, उधर मैंने 8 इंच का। अब आसन की लंबाई लूँगी, यहाँ पे 8 इंच आसन की लंबाई लूँगी, और यहाँ से मैं इसको मिला दूँगी। यहाँ से मैंने इसको इस हिसाब से मैंने इसको मिला दिया है, निशान लगाए हैं, 8 इंच ली है, ठीक है, 8 इंच लंबाई ली है। उधर पहुँचा लूँगी मैं उस साइड, यहाँ पहुँचा लिया है मैंने, ये देखिए 2.5 यहाँ पहुँचा है। इधर भी लंबाई 35 है। इस तरह से हमारे ये पटियाला शाही सलवार का ड्राफ्ट बन जाता है। ये जब ये कपड़े पे ड्राफ्ट बन जाता है, तो अब इसको हम ऐसे ही काटेंगे। कटिंग करने के बाद इसकी सिलाई होगी, सिलाई बेल्ट वाली सलवार के साथ जैसी होती है वैसे ही होती है। सिर्फ इसका जो प्लीट डालते हैं उसमें बहुत ध्यान से डालने पड़ते हैं, कहीं एक प्लीट छूट ना जाए, क्योंकि इसके हैवी प्लीट बनते हैं। तो ये पहनी हुई बहुत खूबसूरत लगती है।